हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पापलेट फ्राई, फिश फ्राई मेरे स्टाइल में। ये पॉम्परेट लिया है मैंने और हम इसे आज क्रिस्पी साथ फ्राई करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज हमें रेसिपी में क्या क्या लगने वाला है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। हम ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल सी रेसिपी को सिंपल तरीके से बनाएंगे, कम इंग्रेडिएंट्स में और झटपट बनने वाली रेसिपी है। 10 मिनट में आप बना सकते हैं। तो देखते हैं आज हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। तो मैंने लिया है पॉम्परेट लिया है, इसे मैंने धो लिया है। कुछ सूखे मसाले लिए हैं, इसके अंदर मैंने लिया है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, एक नींबू, अदरक लहसुन, नमक। और अभी हम ये सूखे मसाले एक बॉल में निकाल के इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके उसमें नींबू निचोड़ के इसकी एक पेस्ट बना लेंगे ताकि हम पूरे फिश को अच्छे से लगा सकें। अभी मैंने नींबू को स्लाइड कर लिया है और इसका पूरा इसका रस निकाल कर मैं इसमें डालूंगी और मिक्स कर लूँगी और इसे एक अच्छे से पेस्ट बना लूँगी ताकि ये पेस्ट हम लोग फिश पे अच्छे से लगा सके। ये रेसिपी बहुत इंस्टेंट बनती है, जल्दी बनती है और बहुत क्रिस्पी लगती है। देखिए मेरी पेस्ट बन चुकी है, अब मैं सारे फिश को अच्छे से लगा लूँगी। मैंने जो चीरे मारे हैं, आप भी इसे कई कट्स का ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा मसाला अंदर तक चले जाए और हमारे फिश को अच्छे से मसाला लग जाए। इसका मसाला अच्छे से लगेगा तो बहुत अच्छे टेस्ट आएगा। तो मैंने सारे फिश को मसाला लगा दिया है। मैंने इसको कोट करने वाली हूँ गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं वो आटा है। आप इसके जगह पे रवा, चावल का आटा या कोई भी और कॉर्नफ्लावर मैदा कुछ भी ले सकते हैं, पर आप गेहूं के आटा लगा के फिश फ्राई कीजिएगा। बहुत क्रिस्पी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। अभी पैन में मेरे चार बैठ गए थे फिश, तो मैंने चार फिश इसमें रखी है, मैंने चार फिश इसमें डाली है। और इसे मैं अभी एक साइड 5 मिनट और दूसरी साइड 5 मिनट रखूँगी। ये 5 मिनट में पक जाती है, पापलेट को ज़्यादा पकाने में टाइम नहीं लगता है और हमने गेहूं का आटा लगाया तो ये क्रिस्पी भी बन जाएगी। देखिए मेरी एक साइड से तो फिश पक गई है। अभी मैं इसे पलट रही हूँ और दूसरे साइड से भी पका लूँगी और पीछे से भी इसको मैं 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देखिए मेरे फिश दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। अभी मैं गैस बंद कर लूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। सिंपल सोबर तरीके से बनाई गई है ये डिश और बहुत टेस्टी और बहुत ईजी और आसान तरीके से सबको पसंद आती है, झटपट बनने वाली रेसिपी हमारी पापलेट फ्राई, तवा फ्राई। बहुत टेस्टी बनी थी। ज़रूर मेरे रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे लाइक बटन दीजिएगा ताकि मैं ऐसे और भी वीडियो बना सकूँ और आपको और अपलोड कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरा सपोर्ट ऐसे ही बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच।